को इस्तेमाल करने के बाद क्या करना चाहिए? कुल्ली करना और नोट बढ़ना चाहिए। कुल्ली कारण थी क्या वो अगर इंसान न्यूट चीज क्यों बस औकात चीज गो अस खत्म मगर मे रूद बाकी तथ हालस मज पड़ नमाज हालत चुनका नमाज क्या नमाज नमाज रोजन क्या दिया का पचना रोजन मिठास के असस काल आरजुन की है यानी कि और हम तो इतनी बकाया तो सके पद का मशाम अस्मत इमाम साहब ये इफ्तारन क्या खजर असल पट पत जल्दी जल्दी नमाज कसन और आसान रूद में तो इतनी देर वाला बाल आमीन से जान पस हिसाब किताब बराबर कर। मसला ये है कि अगर उसने चने के बराबर खा लिया इसके बराबर चंद फलिस बराबर वोलन बोन तो नमाज ही चली गई उसकी। मगर अगर खाली मिठास आस रूदमुत या नमकीन नुन मजा आस रूदमुत तक शुरू मसला समझे तो नबी अलैहिस्सलाम को दोन तनावुल और पत क्या फरमो और का फरमुक इसमें क्या है चिकनाहट। तो ये आपने वजह बयान की मालूम हो जितनी चीजें चिकनाहट की हैं उनको खाने के बाद गुली करना है। वही सिगरेट बीड़ी चल अवलम तो ये है कि नमाज के करीब पीना वो ठीक नहीं मकरूह समझ का का करीब नमाज तमो इक्वालन तमो कोशिश कोशिश यहां मानो नमाज करीब करीब चन जायज। नबी अलैहिस्सलाम फरमो रुहन खेत गंड खेत में को क्या फरिश्तन ची तकलीफ बात मोह तमोक शता मे बसान रुहन तो गंड सत चलिया फरिश्तन यम ज्यादा इससे तकलीफ होगी इसलिए अवलम तो नमाज से 1-2 घंटे पहले पीना चाहिए। वो ने अगर चौथी तिल ती पे क्या करूँ मुँह को खूब साफ करना चाहिए। अगर तुम सुर्खी चाहिए नमाज में पत मिसवाक ती करो तिल ती गई तमें बदबू जाए उसकी बदबू रहती इवन ये ज्यादा आदत चाहन सिगरेट चनो की तमोक चनो वाकई है कि उनके पास खड़ा होना मुश्किल होगा तुम अगर नमाज में साइडस खड़ा गए मुश्किल चुके इंसान को मुश्किल होगा तो फरिश्तों का क्या आलम है समझ कर इसलिए वैसे मुझे यकीन है अपना जासन अक्सर चाहूँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दें अक्सर आसन चाहूँ अच्छा वोटिंग करें अक्सर ना जैसे चाहूँ कि अच्छा वोटिंग बारह मशीन आपको देवान कितना ना किया। मसला ये है चलो जितने पीने वाले होते हैं मसला ये है कि क्या करें हम नमाज के करीब ना नमाज में कम से कम 2-1.5 घंटा उस वक्त और फिर भी पीकर क्या करें मिठाई फल सूर पानस बास मेचर वो बदबू गई फरिश्तन तकलीफ वाति सो तेल बकाया वजू फुटनी चीज कम कम नंबर कलस गिज अगर बेहोश गई ना गोड़ पड़े में स्टार्ट दवा तो पीने अल्लाह के मतलब पेशाब के दो रास्तों से आगे या पीछे से कोई चीज खारिज हो जाए नंबर 1 खून या पाक की पूरे जिस्म में गुंज जाए नंबर 3 मुंह भर कर खाया नंबर 4 नींदर क्या नींदर नंबर 5 दिन का नींदर मजा ही है नमाज के दौरान बेहोश का सुन नंबर 6 नशे कारण क्या नशे नशे मतलब महसूस बिल्कुल ही ऐसा महसूस नंबर 7 नमाज के दौरान नहीं जुनून जुनून क्या जुनून और नंबर 8 गो नमाज में क्या समझ का। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।